हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल मेंटर में। आप लोगों में से जितने भी लोग स्पेशल एजुकेशन में या तो डिप्लोमा कोर्सेज या फिर जो डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे डीएड है, डीएलएड है, बीएड है, ये सब कर रहे हैं, तो या फिर आप लोग जो भी केवीएस, DSSB, सीटेट जैसे टीचिंग एग्ज़ाम के क्षेत्र में किसी भी चीज़ से संबंधित हैं, तो आपको दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करती होंगी। आज उन्हीं के ऊपर हमारा ये डिस्कशन रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होगा आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो होपफुली आप लोग सभी अच्छे होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है, वो है इंटीग्रेशन एजुकेशन, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। ये क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है ना, जो कि हम लोग को कन्फ्यूज़ कर देता है कभी कभी। तो डिफरेंस होता क्या है, आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, जिसका मतलब होता है एकीकृत करना, यानी कि चीज़ों को जोड़ देना आपस में, एक जगह इकट्ठा करना। एकीकृत का मतलब है एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है। उसी तरह हम इसको समझेंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है। हम इस इन दोनों को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम का सहारा लिया है, जिसको आप समझते हैं। ये जो बड़ा सा आपको गोला दिख रहा है, ये है हमारा एक स्कूल, एक नॉर्मल स्कूल या कोई भी स्कूल है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गोले हैं, जिनसे हमको ये समझ में आएगा कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब क्या है। पहले में लिखा है हमने नॉर्मल स्कूल, मतलब कि नॉर्मल स्टूडेंट्स। एक स्कूल हमने ले लिया, उसमें एक कमरे में नॉर्मल स्टूडेंट्स को बिठा दिया, ठीक है। फिर दूसरे कमरे में हमने बता दिया HI को बिठा दिया है, मतलब कि एक स्कूल है, बहुत सारे कमरे, एक कमरे में हमने बिठा दिया है नॉर्मल स्टूडेंट्स को। दूसरे कमरे में हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स को, जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, डिसेबल हैं उनको। तीसरे में बिठा दिया हमने विजुअली इम्पेयर्ड को, दृष्टिबाधित बच्चों को। और तीसरे में बिठा दिया हमने IDD, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को, ठीक है। इसी तरह और भी जितने भी डिसेबिलिटीज़ वाइज जो हमारे बच्चे हैं, उनको कैटेगराइज करके अलग अलग कमरों में बिठा देंगे। लेकिन यहाँ पे एकीकृत कहाँ हुआ? एकीकृत हुआ ना, हमने एक ही स्कूल में सभी बच्चों को एकीकृत कर लिया है, मतलब सभी बच्चों को एक ही जगह एकत्रित कर लिया है। लेकिन उनकी जो क्लासेस हैं, सिलेबस हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। उनकी क्लासेस अलग अलग चलेंगी, जैसे कि एक कोने में चल रही हैं तो नॉर्मल स्टूडेंट्स की क्लासेस, दूसरे कोने में विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की क्लासेस चल रही हैं, तीसरे कोने में हमारे HI यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों की क्लासेस चल रही हैं। इसी तरह एक ही स्कूल में अलग अलग डिसेबिलिटी या नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग क्लासेस चलाई जाती हैं अपने अपने समूह में, यानी कि एक समूह में केवल एक कैटेगरी के बच्चे होंगे, लेकिन ये सभी कहाँ होंगे? एक स्कूल में होंगे। इसी तरह देखिएगा कि ये एक बड़ा सा गोला छोटे गोलों को इंटीग्रेट कर रहा है, एकत्रित कर रहा है ना, तो यही हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन का अर्थ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने कंपैरेटिव यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में। अब ये क्या होता है, इसमें तो बहुत छोटा गोला है ना, इसको समझते हैं। जैसे कि ये हमारा बड़े गोले में स्कूल था, उसी तरह ये भी हमारा एक स्कूल है। क्या है? स्कूल, ठीक है। ये हमारा स्कूल है, इसके अंदर एक छोटा गोला है, इसमें लिखा NOD। इसका मतलब क्या है? एक ही कमरे में हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स सभी एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे पढ़ेंगे। जैसे एक रूम है, उसी के अंदर नॉर्मल स्टूडेंट भी बैठे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड भी बैठे हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड भी बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड भी बैठे हैं, सभी तरह के जो दृष्टि या अन्य दिव्यांगजन हैं, एक ही छत के नीचे सामान्य बच्चों के साथ बैठकर जो अपनी शिक्षा है उसको ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हमने एकत्रित तो किया, इंटीग्रेट तो किया, एक ही स्कूल में है, लेकिन हमने उन्हें एक ही कमरे में भी समावेशित कर दिया। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? समावेश कर देना, यानी कि प्रवेश दिला देना। तो सभी जितने भी कैटेगरी के डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको एक ही कमरे में नॉर्मल स्टूडेंट के साथ प्रवेश कराकर सामान्य बच्चों के साथ ही सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है।
किंतु इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि प्लस लगा के हमने लिखा है ECC। ECC क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, यानी कि विस्तारित जमा पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत वो सभी एक्स्ट्रा चीजें या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या जितने भी सुविधाएं हैं जो कि हमारे डिसेबल्ड बच्चों को उनकी एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो सभी इसके अंदर आती हैं। उनके लिए जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए ये ECC की क्लासेस अलग से चलाई जाती हैं। कुछ जैसे कि हम मान लिया कि हिंदी का टॉपिक है, हिंदी में क्या है कि उसमें कहानियाँ हैं, किस्से हैं, वो तो हमारे नॉर्मल बच्चों के साथ ही सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि लेखन संबंधी हो गया, जैसे दृष्टि दिव्यांगों को लिखने के लिए क्या चाहिए, ब्रेल चाहिए, वो ECC के अंतर्गत आता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी अलग से ECC क्लासेस में। और बाकी जितने सब्जेक्टिव हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ वो सब पढ़ सकते हैं उनको नॉर्मल क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि HI बच्चे हैं उनके लिए अलग से साइन लैंग्वेज की क्लासेस भी चल सकती हैं, ठीक है। इसी तरह जितने भी डिसेबल्ड हैं उनके लिए जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं वो अलग से चलती हैं, बाकी जो कुछ नॉर्मल सब्जेक्ट हैं उनके लिए नॉर्मल स्टूडेंट के साथ ही क्लासेस चलती हैं। ये होता हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें हम लोग ECC को ऐड कर देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारा जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम है इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है, बच्चा है, कोई भी डिसेबल्ड है, आमतौर पर हम लोग डिसेबल्ड की बात करते हैं जब इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं जो स्टूडेंट होते हैं डिसेबल्ड स्टूडेंट, उन लोगों को जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एकोमोडेट करना पड़ता है। कि जैसे कि नॉर्मल बच्चों को जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वही पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी पढ़ाया जाएगा। और उसमें क्या करते हैं, उन बच्चों को उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आप को एकोमोडेट करना पड़ता है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन में करते हैं कि जो पाठ्यचर्या है उसको अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के आधार पर एकोमोडेट करते हैं। यहाँ बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, इसमें बच्चे एकोमोडेट नहीं करते, इसमें करिकुलम एकोमोडेट किया जाता है बच्चों के लिए। जैसे कि सभी दिव्यांगताओं के आधार पर मान लें कि दृष्टि दिव्यांगता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोगों ने बुक ले ली, ये बुक ले ली, इसमें लिखा है, यहाँ पर एक स्टार्टिंग में बारकोड दे सकते हैं, बारकोड दे दिया। जैसे दृष्टि दिव्यांग या हेयरिंग इम्पेयरमेंट कोई भी बालक है उसको स्कैन कर लेगा, नॉर्मल बालक भी स्कैन कर सकते हैं, स्कैन कर लिया वो उनको यूट्यूब पर ले जाएगा, वहाँ पर एक उस पाठ्यक्रम की या उस लेसन की एक अलग से वीडियो संचालित हो जाएगी, ऑडियो में भी, विजुअल में भी और साइन लैंग्वेज में भी। तो उसमें क्या होगा कि सभी प्रकार के डिसेबिलिटीज वाले बच्चे और नॉर्मल स्टूडेंट सभी लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, बच्चों के लिए करिकुलम एकोमोडेट किया जाता है। और इंटीग्रेटेड में क्या होता है, करिकुलम के आधार पर बच्चे स्वयं को एकोमोडेट करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग इसको मेमोराइज कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं कि ये इंटीग्रेटेड क्या होता है और इंक्लूसिव क्या होता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन वह एजुकेशन है जिसमें एक ही स्कूल में अलग अलग क्षमता वाले बालकों के लिए अलग अलग कक्षाएं चलाई जाती हैं। एक लाइन में हमने इसको डिफाइन कर दिया कि एक ही स्कूल में अलग अलग क्लासेस चलाई जाती हैं हमारे अलग अलग डिसेबल्ड बच्चों के लिए या नॉर्मल बच्चों के आधार पर अलग अलग क्लासेस चलाई जाती हैं। दूसरा इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें क्या होता है, एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे डिसेबल्ड बच्चे भी और नॉर्मल बच्चे भी दोनों के लिए एक क्लास चलाई जाती है, लेकिन जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए ECC की यानी एक्सपेंडेड कोर करिकुलम की क्लासेस अलग से चलाई जाती हैं, ताकि उनको जो नॉर्मल बच्चों के साथ हम लोग पढ़ाते हैं उनको समझने में ज़्यादा आसानी हो सके, ठीक है। तो ये था कुछ कंपैरेटिव हम लोगों का कि इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन में अंतर क्या होता है। ऐसे बहुत से अंतर होते हैं लेकिन मेजर क्या होता है कि मेजर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो ये था। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वायरी रह गई है, आपके कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही
विशेष शिक्षा से संबंधित या सीटेट वगैरह और जितने भी टीचिंग एग्जाम है उनके संबंधित मैं वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। धन्यवाद।